आप लोग जब छोटे होंगे तो इतना दूध दे कर झनक है कि नहीं तो झनक जाना तो इतना भोजपुरी में हम लोग कहते हैं दूध हतने दूध पियम हम कहा सब दूध अब छिपा पटक दिया जब मेरा छोट लागत नहीं लेकिन घाव पड़ता नहीं गंभीर लोग ऐसे बोलता है देखन में छोटा लगे आ घाव करे गंभीर मूर्ति है छोट प्रसाद है मोट लोग कह देता है छोट चक्कर रहता है ना जब ज्यादा भात उत खा लेता है तो लोग उसको कह देता है मूर्ति है छोट प्रसाद है मोट मतलब खूब खा पी रहा है हिती जल लेगा भर छिपर घूर लल सूप बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर बिना डॉल डोल के बेडॉल बिना डॉल के आ उसी का उल्टा होता है सुडॉल मतलब बढ़िया बड़ा नीमन बड़ा, एक नंबर बारह ठीक उनके पहले यह वह ये वे क्या कुछ हो तो उसी को कहते हैं सर्वनामिक विशेषण का लड़का लड़के न होता है संज्ञा के पहले वह तो यहाँ पे वह हो गया सर्वनामिक विशेषण संज्ञा के पहले यह आ जाए कथी 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 तो सर्वनामिक विशेषण नामों और सर्वनामों की विशेषता बताते संज्ञा और सर्वनाम के बदले आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं विशेषण कहते हैं विशेषण के चार भेद हैं उसको याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों एक सखी अपने सखी से कहती है ए सखिया परी में सब गुण भरल बा, सखिया परी में सब गुण भरल बा जी हाँ दोस्तों सखिया परी में सब गुण बा तो ऐसे परी में तो सब गुण भरा ही रहता है तो तो वो परी है तो यहां मतलब जानिए ना ये सखिया परी में सर्व सर्व मतलब सभी सब गुण भरल बा सारे गुणों से वो क्या है परी पूर्ण है तो सखिया से संख्यावाचक विशेषण परिसे परिमाणवाचक विशेषण सर्व से सार्वनामिक सर्ब विशेषण और गुण से गुणवाचक विशेषण सर्वनामिक विशेषण एक शानदार ट्रिक बता देता हूं आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे तो सर्वनामिक विशेषण बराबर समझिए कि सूत्र है सर्वनामिक विशेषण बराबर यह वह ए वे क्या कुछ प्लस संज्ञा आप यहीं से सर्वनामिक विशेषण की परिभाषा लिख देंगे लिखेंगे जब संज्ञा शब्द के पहले यह वह ए वे क्या कुछ आकर विशेषण का काम करते हैं उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं ज्यादा परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है देखो मैं बताता हूं क्या है जैसे अब यहीं पे आपको फर्क महसूस हो जाएगा वह कहा गया है और वह लड़का कहा गया है दोनों में बहुत ही फर्क है अगर इस वह की मैं बात करूं तो यह वह जो है सर्वनाम शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है जबकि इसमें यहां पे वह लड़का कहा गया है इसमें वह जो है सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है कैसे तो देखिए कहता है कि नाउन के पहले यह वह ये वे क्या कुछ हो तो उसी को कहते हैं सर्वनामिक विशेषण तो लड़का क्या है जी नाउन है कि नहीं लड़का नाउन है और कौन नाउन है जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इससे पूरी जाति भर का बोध होगा वो लड़का कहीं का हो अमेरिका का हो पाकिस्तान का हो हिंदुस्तान का हो नेपाल का कहीं का हो कहीं का लड़का लड़के ना होता है तो यही ना जातिवाचक संज्ञा है और इस जातिवाचक संज्ञा के पहले यानी संज्ञा के पहले यह वह लौक वह आगे संज्ञा के पहले वह वह तो यहाँ पे वह हो गया सर्वनामिक विशेषण समझे कि नहीं समझे यह बाहर से आई है तो यहाँ पे यह जो है सिर्फ सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है यह लड़की बाहर से आई है तो लड़की क्या है जातिवाचक संज्ञा और उस जाति वाचक संज्ञा के पहले यानी संज्ञा के पहले यह आ जाए कथी 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 तो सर्वनामिक विशेषण तो यहाँ पे यह जो है सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है समझे कि नहीं यह गाय बहुत दूध देती है यहाँ पे यह भी जो है सर्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि गाय संज्ञा है और उस संज्ञा के पहले संज्ञा के पहले देख लो देख लो तो यह भी सर्वनामिक विशेषण हो गया यह फूल देखो तो फूल भी क्या है संज्ञा है और संज्ञा के पहले यह आया है तो इसी को कहेंगे सर्वनामिक विशेषण संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं जैसे एस मस्ती के एक लाख फॉलोवर हैं तो एस मस्ती यहां पे है क्या एक नाम है तो नाम को ही तो हम संज्ञा कहते हैं तो इस संज्ञा की संख्या कितनी है एक लाख है तो यह एक लाख क्या बोलेगा संख्या वाता से मस्ती में पहला स्थान है तो एसनेहा की विशेषता क्या बताया जा रहा है कि एससीटीआई मस्ती में उसका जो है पहला स्थान है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा इस तरह के सुने हो ये संख्या ही तो है ये सब तो इसलिए यहां पे स्नेहा के क्या बता रहा है एसिटीआई मस्ती में उसका ऑर्डर जो है क्या है पहला स्थान है तो इसलिए पहला क्या हो गया संख्यावाचक विशेषण। संख्या। उसी तरह से एस टी आई मस्ती स्वर से कुछ लोग मिलने आए हैं अब एक आदमी आया है दो आदमी आया है चार आदमी आया है पांच आया दस बीस अब कोई नहीं जानता हजार दो हजार तो ये भी संख्यावाचक ही है नहीं एसी टी आई मस्ती से तो लेकिन यहाँ पे ये कुछ जो है अनिश्चित संख्या वाचक है तो गुणवाचक विशेषण नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें बहुत सारा गुण है ठीक है तो ये परि में सब गुण भरल बा तो उसी में का एक आ गया गुणवाचक विशेषण परिभाषा है जिस शब्द से संज्ञा के गुण अवस्था और धर्म का बोध हो उसे ओल्हा दो, दो, दो मतलब कहते है कहते हैं गुणवाचक है जैसे काली घोड़ी लाल लगाम गोल चेहरा अच्छा आदमी मैं कहता हूं परिभाषा मत याद करना उससे कुछ भी फायदा नहीं है इट इट इज नो गुड कोई फायदा नहीं है ठीक है तो फायदा किससे है तो इससे जो ये मेरे ट्रिक है इसको याद कर लो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है आपसे अगर कोई पूछे काला कौन सा विशेषण है नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए जितने रंग होते हैं वो तो विशेषण होते ही होते हैं उसके साथ गुणवाचक विशेषण भी, भी होते हैं प्रकार में गुणवाचक विशेषण कौन रंग बताने वाले शब्द तो रंग बताते हैं कौन जैसे कहिएगा रंग हरा पीला हार हारा पीला से रूप और आकार बताने वाले शब्द रूप जिसको दशा भी कहते हैं और आकार बताने वाले शब्द जैसे छोटा देखे मेरेगा छोट लागत नहीं लेकिन घाव कर नहीं गंभीर लोग ऐसे बोलता है देखन में छोटा लगे आ घाव करे गंभीर समझे तो इसको ये रूप हुआ छोटा ना मूर्ति है छोट प्रसाद है मुँह लोग कह देता है छोट करता रहता है ना जब ज्यादा भात उत खा लेता है तो लोग उसको कह देता है मूर्ति है छोट प्रसाद है मोट मतलब खूब खा पी रहा है हितिजल भर छिपा घूर लल सू तो छोटा बड़ा बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर आ पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर ब्रिज वृक्ष से क्या फायदा बड़ा तो हो गया दो यो आदमी उसके नीचे छहरा सकता है उसके छाया में रह सकता है तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर अब पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर ना उसका तुम फल खा सकते हो ना उसके नीचे बैठकर आराम कर सकते हो तो बड़ा वैसे बड़ा मत हो अगर बड़ा हो ये तो किसी को फल दीजिए छाया दीजिए किसी को आश्रय दीजिए समझे तो वही है तो उसका रूप है कि बाड़ा है लंबा चावड़ा और बेडॉल नहीं ये हो गया आकार तुम्हारा आकार किस तरह का है बेड़ौल है बिना बिना डॉल डोल के बेड़ौल, बिना डॉल के और उसी का उल्टा होता है सुडॉल मतलब बढ़िया बाड़ा नीमन बाड़ा एक नंबर बारह ठीक बा मोटा गोल उसका गोल गोल है वह वही है ठीक अब गुण में अच्छा बुरा साचा ईमानदार सुंदर कुरूप सुंदर का उल्टा कुरूप होता है याद रखना ओपोजिट में सुंदर का उल्टा कुरूप चतुर मूर्ख गरीब तो ये गुण के अंतर्गत आता है स्वाद में मीठा नमकीन तीता मतलब कड़वा यही सब क्या है स्वाद बताने वाले शब्द हैं। समय में आ गया पुराना नया आधुनिक प्राचीन यही सब क्या है ताजा सुबह शाम ये समय बताने वाले शब्द भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं दिशा पूर्वी पश्चिमी दक्षिणी उत्तरी यहां याद रखना पूरब और पूर्वी में अंतर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पूरब एंड पूर्वी तो पूरब नाउन है अब पूर्वी विशेषण और कौन विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण आप सब जानते हैं कि मैं इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक बना देता हूं तो वो ट्रिक है गुरूर तोड़ देंगे हम स्वदीश तेरा गुरुर तोड़ देंगे हम बहुत जो गुणवानी बन रहे हो ना सारा तुम्हारा हम गुरूर तोड़ देंगे ठीक है तो स्वदीश यानी वाला स्वद हो जाएगा समय समय बताने वाले शब्द दिशा बताने वाले शब्द आप सब जानवे करते हैं और ए रहा स्वाद बताने वाले शब्द गुण बताने वाले शब्द रू से रूप और आकार बताने वाले शब्द रस रंग बताने वाले शब्द बस इसको याद रख कर लो सदीश गुरु तोड़ देंगे हम परिमाणवाचक विशेषण मात्रा या परिमाण बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं जिस दो तरह के होते हैं एक निश्चित एक अनिश्चित जैसे लीटर दूध नाउन रहेगा या उसके बाद दलिया भर चावल शेर भर अनाज दस ग्राम सोना उसी तरह से थोड़ा जल इतना चीनी इतना दूध ना तुम लोग छोटे चाके होंगे आप लोग जब छोटे होंगे तो हेतना दूध दे कर झनक दूध पियो बाबा है कि नहीं तो झनक जाना तो इतना भोजपुरी में हम लोग कहते हैं इतने दूध है दूध पिए हम हम हो सब दूध अब छिपा पटक दिया जाओ तो यही है थोड़ा जल इतना चीनी इतना दूध जैसे थोड़ा दूध देने का कष्ट करेंगे आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा इसमें परिमाणवाचक विशेषण बताओ तो यही सब चिन्ह लो थोड़ा के पहचान लो ये है परिमाणवाचक थोड़ा बहुत काफी पर्याप्त ये भी लिख लीजिए बहुत काफी बहुत काफी पर्याप्त अधिक ये चिन्ह लो यही है परिमाणवाचक इसको पहचान लेना है सबको थोड़ा तो बहुत पहचान लो थोड़ा बहुत ज्यादा पूछा जाता है कौन थोड़ा ठीक है